जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, हमने बात की कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है दैट इज कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड दैट हैव बीन इंजीनियर्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? As Dinesh just has, she has told us that diabetes एक ऐसा genetic disorder है और जो diabetic patient होता है that like a gene which has the information or synthesis of insulin. तो ये जो person होता है that cannot secrete insulin, but with the help of genetic engineering we can repair that gene or with the help of that person can be become healthy. ठीक है ना दिनेश, सही बताया मैडम ने? Yes ma'am. So आगे बढ़ते हैं हम. जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर देखा जाए तो मुझे आप ये बताएं कि और कौन सी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू रिपेयर कर सकते हैं. Any form of genetic disorders? Any kind of genetic disorder that can be repaired by the genetic Another use is also GMOs, ma'am, genetically modified organisms, ma'am, which you produce to get any type of desired product or type of particular product that you can get. Okay. Ma'am, the disease called thalassemia. Huh. Yeah. The disease has lack of hemoglobin. Lack of hemoglobin? Lack of... ठीक है, आगे बोलो. दिनेश, एक्सप्लेन करो. दिनेश, आप बोलो, कंप्लीट करो. चलिए दिनेश की बात को हम कंप्लीट करते हैं. कोई पर्सन थैलेसीमिया से अफेक्टेड है तो बिल्कुल सही कहा दिनेश ने कि उसमें हीमोग्लोबिन जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता है और उसको एक फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है. एंड दैट पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया जिसमें सिकल सेल शेप्ड हो जाते हैं एज एन हैज एन ऑल्टर्ड जीन हुज प्रोडक्ट मेक द रेड ब्लड कॉर्पसल एंड एबनॉर्मल ऑन एक्सपोजर टू ऑक्सीजन बिकॉज दे कंटेन फॉल्टी हीमोग्लोबिन. तो जो सफर करता है उसको जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं उसको वो बन नहीं पाते हैं और ऑक्सीजन के एक्सपोजर में एक मतलब पर्टिकुलरली अगर ये बोले तो हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं हो पाती है और इस वजह से उसको फ्रिक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है. बट विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक दिस इंजीनियरिंग वी कैन ट्रीट this disorder also. So genetic engineering copies of DNA can be produced and stored in genetic libraries to be used when required. अब जैसे कि मान लीजिए अभी तो मैंने मतलब उसी की हम डिफरेंट कॉपीज बना लेते हैं. मान लीजिए अगर वो ज्यादा वक्त तक काम नहीं चला और मतलब एट द टाइम ऑफ हमें जरूरत पड़ी तो हम उन कॉपीज को फॉर्म कर लेते हैं और जीन लाइब्रेरी जैसे लाइब्रेरी होती है उसी तरीके से जीन लाइब्रेरी होती है जहां पे हम उसको स्टोर कर सकते हैं और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट हम उसको यूज कर सकते हैं. अगर आप देखो अपने मॉनिटर में तो देर इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे होता है. अब आप देख रहे हो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो कट करता है एक स्पेसिफिक साइट पे एक क्रोमोसोम में और
फिर वो जो फ्रेगमेंट्स होती हैं उनको हम कहते हैं वो क्रोमोसोमल डीएनए। दूसरी तरफ आप देखो कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि यूज होता है टू कट प्लाज्मिड्स, एंड दिस प्लाज्मिड डीएनए और जो फ्रेगमेंट्स है ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए है हम उनको ज्वाइन कर देते हैं और फिर हम उसको एक नया प्लाज्मिड फॉर्म होता है कंटेनिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स, और लेटर ऑन जो हमारा प्लाज्मिड होता है दैट कैन इंसर्ट इनटू द होस्ट सेल फॉर द एप्लीकेशन। इनकी अगर हम और आगे डिटेल में मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है। अब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की, जैसे डीएनए टेक्नोलॉजी की मैंने बात की कि कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी होता है, इसमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम कट करते हैं फ्रॉम द डीएनए ऑफ ह्यूमन और किसी भी एनिमल या प्लांट्स में से, एंड देन वी पेस्टेड इनटू प्लाज्मिड्स ऑफ प्लाज्मिड में हम उसको पेस्ट कर देते हैं। सो ये जो डीएनए ऑफ द प्लाज्मिड कैरिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है अनदर ऑर्गेनिज्म में हम उसको इंसर्ट करते हैं इनटू द बैक्टीरिया, एंड देन बैक्टीरिया डिवाइड रैपिडली एंड क्लोन ऑफ बैक्टीरिया विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ऑब्टेन्ड। सो व्हाट आर द फाइव मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर द डीएनए टेक्नोलॉजी आर सेल कल्चर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाइज एंजाइम, प्लाज्मिड्स, लाइगेज एंड होस्ट बैक्टीरिया। अब सेल कल्चर में हमें कैसा कल्चर चाहिए होता है कि जो कल्चर्ड सेल्स होते हैं एनिमल के प्लांट के कैरिंग द रिक्वायर्ड जीन इन इट्स न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में हमको मिलना चाहिए। उसको हम कैसे कल्चर करते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है उस जीन को हम एक न्यूक्लियस फॉर्मेट में रखते हैं, और ये जो एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाइज जो होता है ये कट शॉर्ट करता है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को, और बहुत सारे डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाइज जो होते हैं दैट फाउंड इन बैक्टीरिया, एंड ईच ऑफ दीज एंजाइम वेरी स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस एंड कट it, and these enzymes are the molecular scissors. बाद में क्या होता है, they either cut both the ends or both the strand at the same place or at different places so that the two DNA strand hang out of the two stands, two ends, and two cuts at the two ends of a DNA segment releases the cut part as a restriction fragment. So the जो ends होते हैं वो sticky ends होते हैं, तो ये जल्दी उस पर जाके दूसरी जगह जाके स्टिक हो जाते हैं। There's a piece of DNA containing a particular gene can be obtained by selecting a particular restriction endonuclease. अब प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स वो होते हैं जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं बैक्टीरियल सेल में विच हैव सिमिलर सीक्वेंस मैचिंग दोज ऑफ द रिक्वायर्ड जीन एंड कैन बी सिमिलरली कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड प्लाज्मिड कैन इजिली एंटर इन टू द बैक्टीरिया, ईस्ट और स्पीडिली रिप्रोड्यूसिंग सेल्स। चौथी जो चीज, जो चौथा स्टेप है, जो फोर्थ स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज डीएनए लाइगेज। इट इज एन एंजाइम कॉल्ड ज्वाइनिंग एंजाइम। इट हेल्प्स टू ज्वाइन द टू डीएनए फ्रेगमेंट्स, एंड बिकॉज बोथ हैव स्टिकी एंड्स तो वो जल्दी से स्टिक हो जाते हैं, और एक होस्ट बैक्टीरिया हमें चाहिए होता है जहां पे प्लाज्मिड जो होता है दैट कैन बी यूज फॉर कैरिंग फॉरन डीएनए। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं, सेल कल्चर होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होना चाहिए, ये हेल्प करते हैं कट करने में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को, और ये जो एंड्स होते हैं दे आर स्टिकी, जो लाइगेज होता है वो उससे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज ये स्टिक कर जाते हैं। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है बैक्टीरियल सेल में, तो ये एक इस तरीके का हमें इसमें सीक्वेंस चाहिए। अब हम बढ़ेंगे स्टेप्स की तरफ। उससे स्टेप्स से बढ़ने से पहले मैं जुबीन आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तक हमने क्या बताया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमें क्या क्या जरूरत होती है और कैसे ये क्या, अगर आप लोगों को समझ आया तो आप मुझे बताएं, और नहीं आया तो फिर मैं दोबारा से इसे समझाने की कोशिश करूंगी।
cut and paste the and then it is used. So cut, you know, DNA and place it on the plasmids, and then it can be inserted in other organisms using bacteria. Mm-hmm. But back in other organisms like bacteria, where it can multiply by reproducing. Mm-hmm. And actually, there are 5 major requirements. Although, ma'am, it's not very clear to me. I could not write all of them. Mm-hmm. Dinesh. Ma'am, the second step, the second requirement, that is not clear to me. Okay. Although what I got from it was that enzymes or the molecular scissors, they are used. Yes. Several enzymes. Yes. And ends are sticky, so they go easy and stick to, you know, other places. Yes. So, एक बार दोबारा से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी 5 रिक्वायरमेंट्स है. सेल कल्चर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये हेल्प करता है टू कट एट पर्टिकुलर प्लेस ऑन द डीएनए. प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है. और लाइगेस जो कि हेल्प करता है जॉइनिंग में, और होस्ट बैक्टीरिया जहां पे ये मल्टीप्लाई होता है. अगर आप देखो सेल कल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि दीज आर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विच कट शॉर्ट द स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल. और यहां पे क्या होता है कि देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फाउंड इन बैक्टीरिया, एंड ईच ऑफ दीज एंजाइम्स आर स्पेसिफिकली रिकोगनाइज अ पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस एंड कट इट, एंड दीज एंजाइम्स आर द मॉलिक्यूलर सीजर्स. सो आइदर दे कट बोथ द स्ट्रेंथ ऑफ द सेम प्लेस और एट द डिफरेंट प्लेस. और उसके बाद आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे कट, मतलब क्योंकि एट योर लेवल ये यही है कि ये कैसे कट करता है. और अगर हम आगे और इसको डिटेल में जानेंगे तो आप किस सीक्वेंस में कट करता है, कितना कितने बेस, जैसे उसमें मैंने दिखाया कि 4 to 6 बेसिस पे ये कट करता है. दे आइदर कट बोथ द स्ट्रैंड एट द सेम प्लेस और डिफरेंट प्लेसेस, सो दैट वी गॉट दिस 2 डीएनए स्ट्रैंड्स हैंग आउट ऑफ द एट द 2 एंड्स. आप देखो तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, तो हम उसमें यही बात कह रहे हैं कि वो 2 डीएनए स्ट्रैंड्स बाहर निकल के आते हैं एट द 2 एंड्स. सो अगर आप देखो तो जो ये एंड्स होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, एक स्ट्रैंड एक एंड पे होता है, एक स्ट्रैंड दूसरे एंड पे होता है. तो दीज एंड्स आर स्टिकी एंड्स, एंड दिस पीस ऑफ डीएनए कंटेनिंग अ पर्टिकुलर जीन कैन बी ऑब्टेन बाय सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी में एक ही सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है. हर पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए एक अलग डिफरेंट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज देयर. सो प्लाज्मिड जैसे मैंने बताया कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है एक बैक्टीरियल सेल में, एंड जिसका सीक्वेंस मैच करता है विद द रिक्वायर्ड जीन, एंड कैन बी सिमिलरली कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. जो पहले एंजाइम्स थे उन्हीं में से वो ही इसको कट करते हैं, एंड देन प्लाज्मिड कैन रेडली एंटर. अब आगे हम स्टेप्स देखेंगे तो उससे और अच्छे से समझ पाएंगे. स्टेप्स में अगर देखें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करते हैं तो देर इज ए स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक सेलेक्ट किया जाता है, फिर उसमें जो सेल कल्चर विद रिक्वायर्ड जीन इन द सेल इज ऑब्टेन्ड. सेल कल्चर विद रिक्वायर्ड जीन, हमें कौन सी जीन चाहिए उसको हम कल्चर करते हैं, ठीक है. फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं दे कट द डीएनए एट 2 एंड्स ऑफ द स्पेसिफिक जीन एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट इज ऑब्टेन. देन सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स अ मैचिंग डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम अ प्लाज्मिड, and then ligase join the restriction fragment in the place vacated by the cut DNA segment of the plasmid. Then the plasmid become a recombinant plasmid containing a foreign DNA fragment, and this DNA is the recombinant DNA. क्योंकि plasmid can carry foreign DNA, they are called as clonal vector. Plasmid जो काम करता है वो कैरियर का काम करता है, एंड देन बैक्टीरियोफेज
वायरसेस कैन ऑल्सो फंक्शन एज अ क्लोनल वेक्टर्स. अब ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है देन प्लेस्ड विद द कॉम्पिटेंट सेल टू एंटर द बैक्टीरिया एंड दिस बैक्टीरिया डिवाइड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड रेप्लिकेट अलॉन्ग विद बैक्टीरियल डीएनए. So there is a large population of bacteria containing recombinant DNA can be obtained in less than 10 hours and there is a multiple identical copies of DNA fragments inserted into plasmid or bacteriophage and then obtained and preserved in a DNA library. So these DNA fragments are the cloned DNA. Aaya kuch samajh mein ya nahi? Aap logo ko kuch clear hua? Yes, अगर नहीं हुआ है तो आप लोग दिनेश मुझे बताओ क्या क्लियर हुआ आपको. मैम जैसे कि हमने बताया कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें सेल कल्चर्स में से जो हमें डीएनए न्यूक्लियस में से जो न्यूक्लियोइड चाहिए सीरीज चाहिए वो हम लोग लेते हैं. फिर जो सेकेंड पार्ट है रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस वो दो एंड्स वो कट करते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स बन के और उसके एंड स्टिकी होते हैं. और फिर प्लाज्मिड में जो एक्स्ट्रा डीएनए क्रोमोसोम और डीएनए होते हैं वो जो सीरीज से मैच होते हैं वो ले लेते हैं और फिर उसी फ्रेगमेंट्स को लिगेस ज्वाइन करता है. लाइगेस हाँ लाइगेस ज्वाइन करता है और फिर वो होस्ट बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिए जाते हैं. ठीक है तो इसी से हम लोग को क्लोन डीएनए मिल जाता है और बहुत सारे ऐसे कॉपीड डीएनए मिलते हैं और वो फिर प्रिजर्व किए जाते हैं डीएनए लाइब्रेरी में. अच्छा ठीक है. अब जुबिन आप नॉट दैट क्लियर बट या फर्स्ट इट इज यू नो स्पेसिफिक आरएनए मीनिंग व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस. देखो एक चीज एक छोटा सा एक हम इसको इतना ना एक्सप्लेन करके जैसे अभी दिनेश ने बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की जो वो समझ पाए उस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि हमने एक पर्टिकुलर जगह से डीएनए को कट किया उस फ्रेगमेंट को हमने उठाया ठीक उसमें उसको उस स्ट्रैंड को लेके क्योंकि वो एंड स्टिकी होते हैं हमने विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसमें हमने उसको रिक्वायर्ड प्लेस पे उसको स्टिक किया. देन प्लाज्मिड वर्क एज अ वेक्टर और उस वेक्टर ने होस्ट डीएनए में जाके मल्टीप्लाई किया. Yes, ma'am. I have written it like that, ma'am. That specific RNA is selected, then when cell culture with required genes is obtained, and RNA cuts the DNA at two ends, and restriction fragments are obtained. Plasmids work as a carrier. Ligates join those fragments, placed with competent cell to enter the bacteria. It reproduces along with bacterial DNA, and later is preserved for later usage. बिल्कुल. अगर आप पीछे इमेज पे भी जाओ, तो इमेज क्या डिपिक्ट कर रहा है? इमेज भी वही डिपिक्ट कर रहा है कि आप देखो तो जो फ्रेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए है और प्लाज्मिड्स जो होते हैं कट प्लाज्मिड डीएनए वो आपस में मतलब जब ज्वाइन हुआ तो आप देखो इमेज में कि एक बोल्ड लाइन जो दिख रही है आपको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में ऊपर की तरफ वो जाके अपने होस्ट डीएनए में जब उसने उसको बैक्टीरियोफाज में देखो या वो हमारे ह्यूमन क्रोमोसोम या एनिमल क्रोमोसोम में जाके अंदर उसने उसको छोड़ दिया और वो जाके उस पर्टिकुलर जीन में जाके इंसर्ट हुआ और उस पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट जो हमने वहां से कट किया और यहां से कट किया वो उसने उसको फिक्स किया आपस में. लाइगेज जो हेल्प कर रहा है वो ज्वाइनिंग में हेल्प कर रहा है तो वो जब आपस में इंसर्ट हुए तब उन्होंने दे कम आउट विद द प्लाज्मिड इंसर्टेड इन टू होस्ट सेल. कैसे वो आप देख पा रहे हो इसमें और नेट पे भी बहुत सारे अच्छे पिक्चर्स हैं अच्छे वीडियोज हैं जो इस तरीके के एनिमेशंस को दिखाते हैं. आप उसको भी देख के अपनी उसमें क्लैरिटी ला सकते हो देख सकते हो कि वो उसमें एनिमेशंस होते हैं
बड़े ही तरीके से उसमें दिखाते हैं कि किस तरीके से ये प्लाज्मिड में जाके इंसर्ट होता है, फिर कैसे डिवाइड होता है. तो हम वहां, ये एक और तरीका है, बट इट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट. इसमें बहुत ज्यादा वो सोचने की जरूरत नहीं है. बड़े हो गए? यस मैम. अब अगर हम बात करें तो टूल्स की बात कर रहे हैं, टूल्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, तो जैसे हमने बात किया सेल कल्चर है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद हमने प्लाज्मिड की बात की, लाइगेज की बात की, होस्ट बैक्टीरिया की बात की. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसमें हम यूज कर सकते हैं? टू ऑब्टेन प्रोटीन एट कमर्शियल लेवल, सच एज इंसुलिन है, क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज और वैक्सीन्स हैं, उसके लिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जामिनेशन में अक्सर कर ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आप स्टेप्स लिखें कि किस तरीके के स्टेप्स हैं, और उसमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहाँ यूज होता है, कब यूज होता है, और प्लाज्मिड का रोल क्या होता है. तो आप ये इसके लिए अच्छी तैयारी करके रखें, तो दैट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन. अगर ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय माइक्रो इंजेक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू फर्टिलाइज्ड एग्स, जायगोट लेवल पे उनको आप उसमें अच्छे वो फॉरेन डीएनए डाल दो, तो आप देखोगे कि अर्ली एम्ब्रियोनिक के स्टेजेस में अगर आप डाल देते हैं तो फॉरेन डीएनए को, तो यू कैन गेट द डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट हाइब्रिड ऑल्सो. जेनेटिक इंजीनियरिंग के अगर हम बात करें तो मैंने जैसे भी बताया कि दैट हेल्प्स इन द टू क्लीन अप द पोल्यूटेंट फ्रॉम एनवायरमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड बायो रेमेडिएशन. सो जीन्स जो होते हैं दैट प्ले अ नंबर ऑफ डिफरेंट रोल्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. दे कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन बायोकेमिकल रिएक्शन, रेगुलेटिंग देयर सिंथेसिस सच दैट द राइट एंजाइम्स अपेयर एट राइट टाइम. सो म्यूटेटेड जीन को ये रिप्लेस कर पाते हैं, एंड किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर और डिजीज में ये हमें हेल्प करते हैं, और जीन्स को हम रिप्लेस करके हीमोफिलिया जैसी और सिकल सेल एनीमिया और सम अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर भी हम मतलब विजय हासिल कर सकते हैं, हम उसको उस बीमारी से उभर सकते हैं. सो देर इज एडिशन ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग जीन टू द डिफेक्टिव जीन्स, डिफेक्टिव सेल्स टू करेक्ट द जेनेटिक डिजीज. जीन थेरेपी, ये नॉर्मल मतलब डिफेक्टिव जीन्स को रिप्लेस कर दो, डिफेक्टिव सेल को रिप्लेस कर दो और नॉर्मल फंक्शनिंग जीन को इंसर्ट कर दो, तो दिस इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी. एंड ट्रीटमेंट विच इज अप्लाइड टू बॉडी सेल्स इंक्लूडिंग जर्म लाइन सेल इज कॉल्ड सोमैटिक जीन थेरेपी. अब सोमैटिक जीन थेरेपी क्या है कि सेल लेवल पे, बॉडी सेल के हर एक लेवल पे, मतलब ये जरूरी नहीं है, बट देर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो कि हम हर लेवल पे इतना हर पर्टिकुलर टिश्यू के साथ चेंजेस नहीं कर सकते. हम अगर आप ये सोचें कि मतलब हर लेवल पे हम चेंजेस कर पाएंगे, नहीं, देर आर सर्टेन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जहां पे हम रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं. सो देर आर थ्री मेन थेरेप्यूटिक अप्रोचेस टू जीन थेरेपी, एक्स वीवो जीन इन बायोलॉजी थेरेपी, इन वीवो मतलब इनसाइड द जीन एटमॉस्फेयर, एंड एंटीसेंस जीन थेरेपी. अगर एक्स वीवो जीन थेरेपी की बात करें तो दैट इंक्लूड्स द एडिशन ऑफ करेक्टेड जीन्स थ्रू एक्स वीवो वायरसेस से, हम अगर उसको रेट्रोवायरल क्लोनिंग वेक्टर्स को यूज करके हम आउटसाइड मतलब थ्रू आउटसाइड एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट हम उसको करेक्ट कर सकते हैं. इन वीवो जीन में क्या होता है कि दैट इंक्लूड्स डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ करेक्टेड जीन्स इनटू द टिश्यू बाय द यूज ऑफ सम वायरस. सो एंटीसेंस थेरेपी जो होती है दैट इज डिजाइन टू प्रिवेंट और लोअर द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन ऑर्डर टू हैव लेस एक्यूमुलेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट. किसी भी तरीके का एक्यूमुलेशन ना हो जीन का, मतलब
कोई भी थेरेपी करेंगे उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, तो एक जीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उस तरीके से ना हो, एक्यूमुलेट ना करे सेल के अंदर, तो इसलिए उसमें हमें ये एंटीसेंस थेरेपी जो होती है दैट हेल्प्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, कितना लेवल पे हमें एक्सप्रेशन चाहिए और कितने लेवल पर नहीं चाहिए. सो जीन थेरेपी ऑल्सो हैज सम लिमिटेशन. सोमेटिक जीन थेरेपी कैन नॉट रेक्टिफाई एंड डिफेक्ट एनी डिफेक्ट इन द सब्सिक्वेंट रीजनरेशन. सोमेटिक लेवल पे जैसे मान लीजिए जो सेक्स सेल्स होते हैं उसमें ना चेंजेस करके सोमेटिक सेल जीन थेरेपी में हम उसको डिफेक्ट को हम रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं और काफी मतलब नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा. मान लीजिए मैंने अगर कुछ चीज में अगर मैंने कोई जीन थेरेपी कराई बट दैट विल नॉट गो इनटू द दैट करेक्शन वुड नॉट गो इनटू द अदर जनरेशन. सो रेंडम इंटीग्रेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आउटसाइड में इंटरफेयर विद द नॉर्मल जीन एंड strict safety standards are to be maintained to for the and for the proper clones of requisite genes have to be available. मान लीजिए वो genes available नहीं है, कैसे करेंगे आप, कैसे maintain करेंगे, तो वो भी एक कारण है कि यहाँ पे there are certain limitation. So इसी के साथ आज हमारा ये chapter हम close करते हैं और मैं जानना चाहूंगी कि अगर आप लोग कुछ अपना view देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं. आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं. Limitation of somatic is that means that whatever correction is done would not go to the next person. I mean, no. It would be मतलब localized or particular to particular organ or tissue. आप उधर कोई करेक्शन होगी, मान लीजिए सोमेटिक सेल्स कौन से होते हैं, सोमेटिक सेल्स जो हमारे ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो सोमेटिक जायगोटिक लेवल पे हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन में. जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स में भी हम, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में भी हम किस तरीके से हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे जेनेटिकली चेंजेस कर लेते हैं, मगर अगर हम सोमेटिक लेवल पे कर रहे हैं दैट विल नॉट गो टू द नेक्स्ट जनरेशन लेवल. चलिए इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम यहाँ समाप्त होता है और आगे नए टॉपिक के साथ हम फिर जुड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपके डाउट्स और आपके सजेशंस के साथ हम आगे नए प्रोग्राम में, नए कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ चर्चा करेंगे. धन्यवाद.